सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, एक डिमांडेबल क्वेश्चन है कि नहीं, राइट ए प्रोग्राम टू रिमूव द डुप्लीकेट वर्ड फ्रॉम द स्ट्रिंग एंड ऑल्सो क्या करना है, रिवर्स करना है। ठीक है, तो यूजर क्या करेगा, इनपुट में एक हम लोग को स्ट्रिंग देगा लाइक दैट, और इस स्ट्रिंग में से हम लोग क्या करना है, डुप्लीकेट स्ट्रिंग को रिमूव कर देना है, वन टाइम कॉल रखना है, और बाकी जो भी है डुप्लीकेट जो दो टाइम रिपीटेड है उनको एक टाइम बना देना है, बिल्कुल रिमूव नहीं करना है। और उसके बाद ऐसे आउटपुट एक्सपेक्टेड है तो ऐसे प्रिंट कर देना है। क्या आउटपुट है, हेलो जय, हे गुड मॉर्निंग धीरज, मॉर्निंग या। तो ये हमारा स्ट्रिंग है और ये हमारा स्ट्रिंग में ही आउटपुट आना चाहिए, तो इसको हम बनाएं तो बनाएं कैसे कि नहीं, कैसे बनाए बताओ। रिवर्स अभी नहीं लिखे है ना आप, केवल डुप्लीकेट वर्ड एंड रिवर्स द स्ट्रिंग, आउटपुट रिवर्स नहीं किए। अच्छा हाँ, रिवर्स नहीं किए हम लोग, ये भी दिक्कत है, तो हम लोग को आउटपुट ये नहीं है, इसको हमको रिवर्स चाहिए। पहले धीरज रखिए, हाँ पहले चाहिए धीरज, मॉर्निंग धीरज, फिर होना चाहिए मॉर्निंग, फिर होना चाहिए गुड, फिर चाहिए हे जय हेलो। ये हमारा हो गया एक्सपेक्टेड आउटपुट। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको रिमूव कर सकते हैं, ये हमारा आउटपुट आना चाहिए। 1 point कितना ईयर का एक्सपीरियंस पूछा था, 1.2 ईयर का एक्सपीरियंस, हाँ 1.6। तो जो भी 1.6 या 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस का जो तैयारी कर रहे हैं वो आकर के इस वीडियो को देख सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। कि नहीं, आज के बाद कुछ बताया जाएगा। तो हमारे पास इनपुट है और आउटपुट है और इस पे हम लोगों को क्या करना है, काम करना है। कोई बताएगा कैसे शुरुआत करें इसको, एक को स्ट्रिंग लेके। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट एक क्लास लेते हैं और क्लास में क्या रखेंगे, बिल्डर लगा कर रिवर्स करेंगे, रिवर्स स्प्लिट करेंगे स्ट्रिंग एंड फिर डिवाइड में लगा के बिल्डर रिवर्स कर दो स्ट्रिंग, रिवर्स होगा फिर डुप्लीकेट कैसे पैट आउट करेंगे, फिर उसका कंडीशन रिवर्स में आएंगे और नया का फुल कंप्लीट रिमूव डुप्लीकेट, रिमूव डुप्लीकेट एंड रिवर्स स्ट्रिंग, रिवर्स स्ट्रिंग। ठीक है, ये हम लोग को करना है और मेक श्योर कि कम्प्लीटली रिवर्स मतलब कम्प्लीटली डुप्लीकेट को रिमूव नहीं करना है, वन टाइम्स होना चाहिए एटलीस्ट, तो ये माइंड में हमारे है ऑलरेडी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक मेन क्लास लेते हैं, मेन मेथड लेते हैं, मेन मेथड के अंदर अब देखो यहाँ पे सोचने वाला बात आता है कि शुरुआत कैसे करें। तो अगर तुम्हारे पास एक स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग पे ऑपरेशन तुम कैसे करोगे, पता कैसे करोगे कौन सा डुप्लीकेट है, ये ऐसे पता नहीं हो सकता अगर स्ट्रिंग के फॉर्म में है तो। अब इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा पार्ट पार्ट में, और एक एक वर्ड को अलग अलग करना पड़ेगा। जब वर्ड अलग अलग हो जाएगा तो एक वर्ड को दूसरे वर्ड से हम कंपेयर कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि डुप्लीकेट है कि नहीं है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, करें तो करें कैसे, इसको तोड़ देंगे जहां स्पेस है तोड़ेंगे। तो हमारे पास एक तरीका है स्ट्रिंग के पास, स्प्लिट मेथड है कि नहीं। तो मान लो हमारे पास जैसे इंटरव्यूअर दिया है कि तुम्हारे पास ए इनटू है, इनपुट है एसटीआर, इसको कॉपी करेंगे चल जाएंगे अपने कोड के अंदर और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का, तो लिख लेंगे इसे स्ट्रिंग। और हमको क्या करना है, अब इसको तो हमको मालूम चल गया कि स्ट्रिंग पे तो वर्क नहीं कर सकते, इसको स्प्लिट करके हमको तभी परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमारे पास है str डॉट
स्प्लिट, स्प्लिट बोलता है कहां से करें, एसटीआर से करें, स्पेस से करें, कहां से करें, स्पेस से करें, तो एक स्पेस दे दो, जहां जहां स्पेस होगा वहां से टूट जाएगा और एक एरे में स्टोर हो जाएगा। कंट्रोल वन को प्रेस करेंगे तो ई जिस टाइप का होगा उस टाइप में स्टोर हो जाएगा, तो स्प्लिट कर दिया गया और हमको बोल देते हैं इसको स्ट्रिंग वर्ड ब्रैक, है कि नहीं, स्ट्रिंग वर्ड हो गया ही, या स्ट्रिंग एरे कह सकते हो, स्ट्रिंग एरर, सही है, तो ठीक है, ये हमारा एरे हो गया, स्ट्रिंग एरे में साइन हो गया। तो अब हमको करना क्या है, और रूप लगेंगे, एक कलेक्शन का अगर बात कोई करे तो इस चीजें को बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्या करेंगे, कलेक्शन हम पहले दिमाग लगाएंगे कि कौन ऐसा कलेक्शन है जो डुप्लीकेट को हटा देता है। हैश मैप लोगे, तो की वैल्यू पेयर चाहिए, तो हैश सेट लेते हैं, ताकि क्या हो जाएगा, केवल और केवल यूनिक मतलब वर्ड स्टोर होंगे, डुप्लीकेट नहीं होंगे। करके देखें, करते हैं, कैसे हैश मैप क्रिएट करते हैं जावा में, सेट डायरेक्ट, किस टाइप का सेट है, स्ट्रिंग टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का हमको स्टोर करना है, तो हम लेते हैं सेट डुप्लीकेट, ले नहीं सेट वर्ड यूनिक, यूनिक यू एन आई यू यू ई इक्वल टू न्यू हैश सेट कहता है कि क्या करना है, किस टाइप का डालना है यहाँ पर, तो स्ट्रिंग टाइप का हो गया, नहीं हो गया, इंपोर्ट कर लेंगे सेट को, अब देखो देखो समझो चीजों को, हमारे पास स्ट्रिंग का वर्ड है एरे में और हमारे पास एक सेट हो गया डेटा स्ट्रक्चर जो क्या करता है, डुप्लीकेट स्टोर नहीं करता है, हमारा काम आसान हो गया। अब इसमें जो वैल्यू डाल देंगे वो मुझे यूनिक मिल जाएगा, तो एक एक वैल्यू निकाले कैसे, कहां से, तो एरे से, किस एरे से, तो स्ट्रिंग एरे से, तो उसके लिए हमारे पास लूप है ना, अगर कलेक्शन रहता तो फॉर इच लगाते नहीं तो ज्यादा बेटर रहता, ये हमारा एरे है एक ठो, तो फॉर लूप लगा लो, अपने आप जनरेट कर दिया उसी से, कि नहीं, अब करना क्या है उसमें से एक एक निकालना है, ऐड करा देना, और किसमें डालना है, कलेक्शन में, तो किसमें डालना है, सेट वर्ड यूनिक डॉट ऐड और क्या, एसटीआर नहीं, स्ट्रिंग एरे डॉट ऑफ आई, अब इससे एक एक स्ट्रिंग का वर्ड निकलेगा और उसमें डल जाएगा, और बाद में यहाँ पे आकर के देखोगे तो तुम्हें यूनिक मिल जाएगा। टेस्ट आउट करके हम लोग देख लेते हैं, तीन दो लॉजिक एक लाइन का है, बस एक लाइन का भी लॉजिक नहीं है, बस सोच वर्ड डॉट टू स्ट्रिंग, मतलब इस प्रोग्राम का ये पता चला कि इसमें एक लाइन का भी लॉजिक नहीं है, बस सोच लो लिख दो, हाँ अब यहाँ से क्या हो गया, धीरे धीरज जय हेलो गुड हे मॉर्निंग, एक लाइन का भी लॉजिक नहीं है, देख रहे हो बस सोच के, लेकिन हैश सेट जो है ऑर्डर प्रिजर्व नहीं करता है, तो अपन लेंगे लिंक्ड हैश सेट, हैश सेट जैसे हम लोग को जो चाहिए था वो नहीं मिला एक्चुअली, ये हम लोग को कुछ अलग ही ऑर्डर में मिल गया, हे धीरज कुछ गुड हे मॉर्निंग कुछ भी आ रहा है, ऑर्डर जो ये ऑर्डर इन द सेंस की जैसे हम लोग यहाँ पे डाले थे, हम लोग को आना चाहिए था पहले हेलो गुड मॉर्निंग, डुप्लीकेट है तो रिमूव कर दो भाई, जय
हे, उसके बाद गुड मॉर्निंग, चाहे कुछ भी धीरज आना चाहिए। तो पहले तुम धीरज को डाल दिया, इसे कर दिया, इसे कर दिया, ऑर्डर फिर जब वो ट्री सेट तो करता है ना, है ट्री सेट तो असेंडिंग करता है, ट्री सेट सॉर्ट कर देता है, ऑर्डर भी रिजॉल्व रहता है उसका, लिंक्ड लिस्ट सेट करता है ना। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इस पे, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर लें? लिंक्ड लिस्ट सेट, लिंक है सेट ले, ऑर्डर रिजॉल्व है उसका, कंट्रोल सी सही ऑर्डर है। अभी जब सही ऑर्डर मुझे मिल गया तो अब हमारा कोड क्या बोलता है कि रिवर्स करा दो, रिवर्स कराना है, तो रिवर्स कराने के लिए हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग आ रहा है, एक फॉर लूप लो और रिवर्स करा दो, उल्टा चला दो लूप को, राइट। लेकिन अब यहाँ पे देखो, तुम अपना जो डेटा डाले हो किसमें डाले हो, एरे में, एक सेट में, सेट में डाले हो ना, कैसे उल्टा चलाओगे, तो उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में चलाएंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में चला देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आराम से कर सकते हैं, वैसा ही जैसे एरे काम करता है, हाँ, एक फॉर लूप चला देंगे, और ये जो जीरो से चल रहा है इसको कहाँ से चला देंगे, सेट वर्ड यूनिक, सेट वर्ड यूनिक में हमारा डेटा है, तो सेट वर्ड डॉट यूनिक डॉट साइज, इसके पास एक माइनस में, तो साइज जो देगा उससे एक काम कर लेते हैं, माइनस वन है कि नहीं, जैसे ही माइनस वन कर लिए आई माइनस माइनस, और यहाँ पे आई ग्रेटर दें, आई तुम लोग को मालूम है कि जीरो से स्टार्ट करता है, पक्का हाँ जीरो ही होगा, हाँ जीरो, वो आई माइनस माइनस होगा, पक्का है मतलब, आई माइनस माइनस, आई माइनस माइनस, ये हो गया अपना cool. और अब हमको क्या करना है, प्रिंट करवाना है, तो इसके अंदर जाएंगे और पहले इसको प्रिंट करा देते हैं और इसका स्ट्रिंग रिवर्स करवा देंगे, कोड लिखने के लिए नहीं बोला, तो उसको लॉजिक बहुत कुछ होता है, तो एस आउट करेंगे और क्या करेंगे, सेट स्ट्रिंग यूनिक डॉट गेट, गेट इसके पास तो है नहीं, कैसे निकाले, तो डायरेक्ट टू स्ट्रिंग निकाल देंगे ना, हैं डायरेक्ट टू स्ट्रिंग, कैसे निकाले होता, एक बताया था इस कौन सा वीडियो में जिसके पास कलेक्शन, हमारे पास कुछ है ही नहीं, क्या कि इंडेक्सिंग तो है ही नहीं इसके पास ना, एरे में होता है इससे, या कलेक्शन है ना, तो कंपैरेटर कंपैरेबल है ना, वो उतना टाइम होता रहेंगे पता तो लगता कोडेज में, तो तुम्हारा तब तो हमने कोड लिखा ही नहीं, अब तो पता चला पागल कर सकते हैं क्या, तो स्ट्रिंग डॉट करके, इसके पास कोई मेथड नहीं है निकालने का, देखते हैं ना, देख लिए हैं कल ही एक वीडियो में आप आले तो इसके पास कोई गेट जैसा मेथड नहीं है जो निकाल सके कि तो इंडेक्स वैल्यू डाल करके निकाल सको, हम क्या करें, हार मान ले, नहीं हर किसी वाले ले अपन वादे वाले नहीं है, तो एक काम कर सकते हो कि एक तरीका है कि इस जो भी सेट है इसको डायरेक्ट कन्वर्ट कर दो, कहाँ पे, एक एरे लिस्ट में डाल सकते हो, अगर ऐसा नहीं करना चाहते हो तो ऐसे तो इंडेक्स से निकलने वाला है नहीं कि नहीं, तो इंडेक्स से तुम नहीं निकाल सकते हो, और ऐसे करोगे तो उल्टा प्रिंट होगा, तो ऐसे ही मिलेगा, सेट को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट कर सकते हो, सेट को हाँ सेट को डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं, सेंडिंग कंपैरेटर लगा के कर सकते हैं, उसका कोड बहुत बड़ा जाएगा,
माइनस ओ टेन ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं देखो समझो कर बताओ नहीं नहीं बता कर सकते हैं ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं सेट वर्ड यूनिक डॉट रिवर्स रिवर्स हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है वो तो ये बिल्डर में मिलेगा या तो स्ट्रिंग बफर में का होगा तो हमारे पास रिवर्स इसके पास नहीं है तो हमारे पास एक तरीका जरूर है जिससे कर सकते हैं कि नहीं क्या करे हो यूनिक डॉट इटरेटर हाँ टू स्ट्रिंग जैसे ही स्ट्रिंग हो गया डॉट टू स्ट्रिंग डॉट को आर एम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं कर सकते हैं तो देखो स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर दिए एक स्ट्रिंग को और जैसे स्ट्रिंग में हो गया तो हम क्या करेंगे स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस फर्स्ट और लास्ट रिप्लेस क्या करना है तो रिप्लेस होगा कैरेक्टर जिस वर्ड लाया है वहाँ पे डाल सकते हैं इंडेक्स वाइज स्ट्रिंग को रिवर्स करा दिया ना हैं रिवर्स करा दिया कैरेक्टर ठीक है तो स्ट्रिंग को फंक्शन लगा दें स्ट्रिंग इधर डॉट रिवर्स एंटी वाइज कौन सा रिवर्स हाँ उसके पास रिवर्स है स्ट्रिंग बफर ये पावरफुल आदमी है इसके पास सब कुछ है इसके पास रिवर्स जरूर है स्ट्रिंग बफर लेकिन इसको स्ट्रिंग में ही कन्वर्ट कर रहा है स्ट्रिंग बफर में नहीं कर रहा है ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो सकता है कि एक काम कर सकते हो कि इसको स्ट्रिंग में ही रखो ठीक है और स्ट्रिंग के पास एक मेथड है मेथड क्या कंस्ट्रक्टर है स्ट्रिंग ऐसे नहीं है स्ट्रिंग बफर इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर देखो कोडिंग आता है तो कहां से कहां चल जाता है दिमाग स्ट्रिंग बफर और इसके अंदर हम डाल देंगे इसका स्ट्रिंग रेफरेंस तो ये क्या हो गया स्ट्रिंग बफर हो गया स्ट्रिंग बफर डॉट रिवर्स मिल जाएगा और स्ट्रिंग बफर डॉट रिवर्स डॉट रिवर्स धकधका कर आएगा धकधका कर आएगा बिना बोले डॉट रिवर्स धकधका ले ठीक है और इसको कहीं स्टोर करना है तो कर लो नहीं तो डायरेक्ट प्रिंट करा सकते हो रिवर्स और एस आउट करके रिवर्स नीचे वाले का काम खत्म फोर का डाल इसमें तो लॉजिक कहीं लिखा ही नहीं लॉजिक नहीं कंसेप्ट बहुत कंसेप्ट है लॉजिक पूरा कोड में नहीं है देखो लॉजिक नहीं है कंसेप्ट है हाँ ये तो लॉजिक नहीं है केवल कंसेप्ट है हार्ड कोड नहीं है बहुत दीजिए लेकिन इंटरव्यूअर भी सोचेगा ये क्या क्या लिख कर निकाल दिया हाँ ये बात देखो वो भी सोचेगा इसको बहुत ओपन लेटर प्रिंट कर अभी आज भी ओपन लेटर हाँ कितना लगा कितना लगा कितना लगा इन एक लाइन लॉजिक दे ये कई बार थोड़ा सा यहाँ पे है देखो रन किए क्या गया इसने स्पेलिंग को भी रिवर्स कर दिया ये तो गड़बड़ा है कैंसिल ऑफर लेटर कैंसिल ऑफर लेटर कैंसिल
वाले लेटर लेटर तो गया लेकिन कोई बात नहीं, कभी भी बचा सकते, अभी भी हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जिसे हम यूं ही कर सकते हैं इसका। देखते हैं आगे। मजा है लेकिन इसको। तो देखो अभी तक हम लोग जहां तक घूमे हैं सही है, रिवर्स किए हैं सही है, लेकिन रिवर्स हम लोग को जो किए हैं तरीका अपनाए हैं वो तरीका गलत है। हम तो रिवर्स करना चाहिए था, लेकिन क्या करना चाहिए, अच्छे से करना चाहिए था। तो देखो जैसे ही हमको स्ट्रिंग मिला तो हमको क्या करना चाहिए था कि सबसे पहले इस स्ट्रिंग में से रिप्लेस कर देना चाहिए वो जो फालतू कैसे आ रहे हैं उनको, है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखो अब तुम लोग देखो कितना मेथड सिखा रहे हैं। स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस, अगर तुमको किसी कलेक्शन से स्ट्रिंग बना करके और इस स्ट्रिंग से मतलब डायरेक्ट कुछ वैल्यू बनाना है तो डायरेक्ट मतलब कि इस रिप्लेस मेथड का यूज करके तुम चीज़ों को हटा सकते हो। तो मान लो कि ऐसे आता है लिस्ट में, इसको हटाना है मुझे, तो रिप्लेस विथ स्पेस, फिर से डॉट रिप्लेस एक और लगा देंगे, है कि नहीं, उससे स्क्वायर ब्रैकेट गायब हो जाएगा ये ना। हाँ अब इससे क्या हो जाएगा, ये जो एक कर्ली ब्रैकेट है इसको भी हम क्या करते हैं इनफिनिटी स्पेस से गायब कर देते हैं। अब हमारा क्या हो गया, फ्रेश बन गया स्ट्रिंग। अब हम क्या करेंगे, जो स्ट्रिंग हमारा बन गया इस स्ट्रिंग को हम क्या करते हैं स्ट्रिंग एरे में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है कि नहीं। और इसको यहाँ पे स्टोर भी करना चाहिए था ताकि स्ट्रिंग क्या है इम्यूटेबल है। तो स्ट्रिंग में आ गया, जैसा ही इसमें आया तो हम क्या करेंगे स्प्लिट मेथड लगाएंगे फिर से, स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट, कहाँ से करना है स्प्लिट, कोमा से, क्या कि हर एक कलेक्शन के अंदर क्या रहता है कोमा रहता है बीच में, वो कोमा से क्या करेंगे स्प्लिट कर देंगे, स्प्लिट करके सब हमारे वर्ड आ जाएंगे हमारे पास, और वो जो वर्ड आएंगे तो हमारा फिर से एरिया गया, और जब फिर से एरिया गया तो फिर एक लूप लगा लेंगे, और जब एक लूप लगा लेंगे तो रिवर्स वाला लॉजिक तुम्हारे पास तो ऑलरेडी है ही, स्प्लिट डॉट लेंथ ग्रेटर देन, अरे कहाँ तक जाना चाहिए, जीरो तक, जीरो जाना चाहिए। और देखो भगीरथ इसको ऐसे स्पेस मन छोड़ना, ठीक है, नहीं तो इसी में परेशान होते रहोगे और होगा ही नहीं काम तुम्हारा। लेंथ माइनस वन होगा ना, स्प्लिट डॉट लेंथ माइनस, हाँ लेंथ माइनस वन होगा, ठीक है। और एस आउट करके यहाँ पे स्प्लिट और आई कर दिए, और यहाँ से इसको क्या बोला धीरज आप सही आ गया, हे जय धीरज हे जय मॉर्निंग गुड प्रिंट प्रिंट कर रहा है अब चल क्या वीडियो 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 अच्छा ठीक है तो समझ आया भाई रथ जा रहे हो इसमें बागीरथ बोला है कुछ समझने का ही इसमें रिप्लेस मेथड स्प्लिट मेथड कैसे स्ट्रिंग से स्ट्रिंग बफर में कन्वर्ट करते हैं कैसे स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करते हैं एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं ये सारी चीज तुम लोग सीखा है कि नहीं। तो ये अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि तुम सारी चीजें जानते हो, उसका यही पता करने का तरीका है। इसमें लॉजिकल कोडिंग भी हो गया है
देख रिवर्स करने का के यहां पे लूप भी चलाने आता है कि नहीं आता है, सेट को कैसे बैटरी डालने आता है कि नहीं आता है, सारी चीज चेक कर लेगा नहीं कर लिया बंदा। लेकिन कोड बहुत इजी है, कोड बहुत इजी है, कोड बहुत इजी, इसमें कलेक्शन फलेक्शन सब घुसे दिया जितना। तो हम लोग को ये ऐसे लग रहा था करने के लिए, हम लोग ने कर दिया कि नहीं। इसके पास बहुत सारे ऐसे तरीके भी हो सकते हैं, अलग अलग तरीके से कर सकते हैं इसको, लेकिन कंडीशन वीडियो कर सकते हैं ना, बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम यहीं पे पॉज करते हैं। एक इतना फाइन है और इतना चलेगा, ठीक है, डन, बाय।